हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आरके सीट कवर पे। दोस्तों, हमारे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। गाइस, आज एक्सेस 125 का सीट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं और बकेट सीट बनाने वाले हैं। गाइस, आज पट्टा वाला फॉर्म नहीं यूज करेंगे। आज कंपनी का जो ओरिजिनल फॉर्म आता है उससे बकेट सीट बनाएंगे गाइस। और ओरिजिनल फॉर्म पे क्या होता है गाइस, उसमें सस्पेंसिंग बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए गाइस कस्टमर बोले कि मुझे ओरिजिनल फॉर्म से बकेट सीट बना के दो। तो गाइस, आज हम उनके हिसाब से ये सीट को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और बकेट सीट बनाएंगे गाइस। और मेरा वीडियो को पूरा देखना क्योंकि किस तरह से बकेट सीट बनाते हैं गाइस, मेरे वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। और गाइस, नई लुक में ये सीट बनाएंगे, एक बेहतरीन शेप देके गाइस, क्योंकि दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए और बैठने में फुल कंफर्टेबल होना चाहिए गाइस, क्योंकि कस्टमर पैसा खर्चा कर रहे गाइस, तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि सीट में खर्चा किया हूँ और बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो गाइस, ये सीट मैं ऐसा बनाऊँगा कि कस्टमर बैठेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि सीट में मैंने पैसा खर्चा किया तो बैठने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो गाइस, हम उनके हिसाब से ये सीट को मॉडिफिकेशन करेंगे और एक बेहतरीन शेप देंगे सीट को और अच्छे फिनिशिंग के साथ बनाएंगे गाइस। तो गाइस, मेरा वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना गाइस। अभी बीच में फॉर्म लगा दिया हूँ गाइस, थोड़ा सीट को फिनिशिंग दे रहा हूँ जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे गाइस। उसके बाद फिनिशिंग होने के बाद गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से शेप दिया हूँ सीट का। तो देखो गाइस, मैं फाइनली सीट का ऐसा शेप दिया हूँ और बीच में गाइस एक छोटा सीट लगाएंगे क्योंकि कस्टमर बैठेंगे तो उसमें बैक सपोर्ट मिलेगा गाइस। तो सीट को मैं इस तरह से शेप दिया हूँ। और गाइस, अभी मैं बोस्टिक लगा रहा हूँ सुलेशन, क्योंकि कवर फिटिंग करेंगे तो कवर अच्छे से चिपका रहेगा और फिनिशिंग प्रॉपर आएगा गाइस, क्योंकि कवर जो मैं बनाया हूँ वो न्यू लुक वाइज में बनाए हूँ गाइस। और आगे के साइड भी बोस्टिक लगा दे रहा हूँ क्योंकि कवर को उधर भी चिपकाना है ताकि फिनिशिंग से कवर फिटिंग होगा। और फॉर्म में लगा दिया सुलेशन, अब कवर में लगाएंगे गाइस ताकि फिटिंग करने में आसान होगा और सीट में कवर चिपक के बैठेगा तो दिखने में भी अच्छी दिखेगी सीट। तो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना गाइस, और किस तरह से मैंने ये सीट बनाया हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर और एड्रेस रहेगा गाइस, जो भी मेरे से बात करना चाहते हो बात भी कर सकते हो। और सीट आपको मॉडिफिकेशन करवाना है कोई भी गाड़ी का तो अपने हिसाब से बनवा सकते हो गाइस। तो कोई नहीं गाइस, वीडियो में बने रहना और कवर में किस तरह से चढ़ा रहा हूँ आप ध्यान देके देखो।
कि किस तरह से बकेट सीट बनने के बाद कवर को फिनिशिंग से चढ़ाते हैं गाइस। और मैं अभी तो कवर चढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। और गाइस ये कवर में न्यू लुक में बनाया हूँ। ये कवर के अंदर गाइस काजू कतरी वाला डिज़ाइन डाला हूँ, क्योंकि सीट में जब ये कवर फिटिंग हो जाएगा तो दिखने में बहुत ही प्यारा दिखेगा। और गाइस मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस मेरा सीट कुछ ही देर में कंप्लीट होने वाला है। जब सीट कंप्लीट हो जाएगा गाइस तो आप लोगों को गाड़ी में फिटिंग करके दिखाऊंगा कि सीट किस तरह से दिख रहा है और किस तरह से लुक वाइज जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। तो कोई नहीं गाइस, मेरा वीडियो में बने रहना। और अभी मैं बेहतरीन तरीके से कवर को फिनिशिंग के साथ फिटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस ये सीट के अंदर जो राउंड शेप है उसके अंदर मैं छोटी सी सीट लगाऊंगा, वो बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा होगा और बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा गाइस। तो फाइनली गाइस मेरा सीट अब रेडी होने वाला है। तो आप लोगों को वो गाड़ी में रख के सीट गाड़ी में फिटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से दिख रहा है। और फुल फिनिशिंग के साथ में ये कवर में फिटिंग कर रहा हूँ गाइस, ताकि ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा और प्रॉपर तरीके से कवर फिटिंग होगा तो ही गाड़ी के अंदर अच्छा दिखेगा गाइस। और आप लोगों के लिए ऐसे ही नया नया वीडियो लाते रहूँगा गाइस, एक से बढ़कर एक। और कस्टमर के पसंद से मैं ये कवर बनाया हूँ, क्योंकि कस्टमर मुझे बोले थे कि मुझे 2-3 कलर में बना के दो और गाड़ी में जैसा अच्छा दिखना चाहिए। तो गाइस मैं उनके पसंद से ये कवर बनाया हूँ। और गाइस मेरा सीट तो अब रेडी हो गया है और जो एक्स्ट्रा रेगजिन है वो कटिंग कर रहा हूँ। तो फाइनली गाइस आप लोग को दिखाता हूँ।